हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स केयर होम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो गाइस, ये रहा मेरा एक पेयर कॉकटेल और इस साइड मेरा ब्रीडिंग पेयर कॉकटेल है जो फर्स्ट टाइम मैं इनसे ब्रीड ले रहा हूँ। और ये लोग मतलब ब्रीडिंग का जो एज होता है दोस्तों वो 15 महीने से नीचे नहीं होना चाहिए, 15 महीने से ऊपर का बर्ड्स होगा तो बहुत सही होगा। और ये लोग भी 15 महीने के ऊपर है, मतलब लगभग ये लोग 2 साल का है और अभी इनसे ब्रीड अच्छे तरीके से लिया जाएगा। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा आज ब्रीडिंग का जो अपडेट है वो दिखाऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो होता है ब्रीडिंग का वो मैं दूंगा। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कोई भी मतलब बर्ड से अगर ब्रीड लेना चाहते हो, कोई भी मतलब कोई सा भी बर्ड से अगर ब्रीड लेना चाहते हो, तो पहले उन लोगों का पहले प्रॉपरली केयर करना पड़ेगा और उनका डाइट का जो रूटीन होता है वो प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो लोग ब्रीड करेगा वरना नहीं करेगा। और प्रॉपरली उन लोगों को मल्टीविटामिन, कैल्शियम और अच्छा सीड मिक्स, अच्छा साफ पानी और मटके एंड बॉक्स दोनों प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में देना है। कॉकटेल में क्या है, ब्रीडिंग लेना बहुत मुश्किल होता है। क्या है, ये लोग अच्छे तरीके से मतलब पेयर जब बनाता है तब तो ये साल भर में ब्रीड करता रहता है, अगर ये पेयरिंग नहीं लेगा तो ये ब्रीड नहीं करेगा। और इसका अच्छा सा अगर केज रिक्वायरमेंट नहीं होगा, मतलब बड़ा सा अगर केज नहीं दोगे या प्राइवेसी नहीं दोगे तो ये लोग ब्रीड नहीं करता है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या चीज़ फॉलो करना है ये मैं बता रहा हूँ अभी। आप लोग ये चीज़ फॉलो करके इन लोगों का मतलब पेयरिंग कर सकते हो और ब्रीड भी ले सकते हो। तो गाइस, पेयरिंग के लिए आपको मैंने जो पहले बताया था, सबसे पहले इसका एज प्रॉपरली दोनों का सेम होना चाहिए। अगर मतलब जो मेल कॉकटेल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेल कॉकटेल जो हो वो मतलब फीमेल से छोटा नहीं होना चाहिए। और ये लोग अभी ब्रीडिंग के लिए फुल रेडी हो रहा है और देखिए किस तरीके से मतलब फीमेल जो है वो अंदर चला गया और मेल जो है बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है और बहुत एग्रेसिव मूड में है, क्योंकि ये लोग अभी फुल्ली ब्रीडिंग के लिए रेडी हो रहा है। और क्या है दोस्तों, इन लोगों का एज भी हो गया है ब्रीडिंग के लायक, तो ये लोग ब्रीडिंग के लिए अभी ये मतलब प्रॉपरली रेडी हो रहा है। और गाइस, इस साइड में दिखाता हूँ, यहाँ पर भी मेरा एक ब्रीडिंग पेयर है, मतलब ये जहाँ मेरा ये कॉकटेल ये है फीमेल और इसने अभी 6 अंडा ले किया है और अभी भी मुझे लगता है ये लोग फिर से दोबारा मीटिंग कर लिया है। और इसका जो नीचे का पोर्शन है वो मुझे थोड़ा सा मतलब फुला हुआ लग रहा है और शायद ये और भी अंडे ले करने वाले हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी जो पहला अंडा है वो 20 दिन के करीब हो रहा है और अभी भी इसके मतलब उसके अंदर से चिक्स नहीं आए अंडे में से। तो आज मैं इस बॉक्स को चेक करूंगा, जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो चेक करूंगा और चेक करने के बाद आप लोगों को भी दिखाऊंगा क्या है इसका सीन। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, उसके बाद मैं बताऊंगा मतलब क्या क्या चीज़ करने से कॉकटेल जो है जल्दी ब्रीड पे आ जाता है और क्या क्या डाइट फॉलो करने से भी ये लोग ब्रीड पे आ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले इसका बॉक्स चेक करते हैं। तो गाइस, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, क्या अगर मतलब कॉकटेल जो है वो अगर अंडा ले कर रहा है, मतलब मान लीजिए एक अंडा एक दिन बाद छोड़ के फिर और एक अंडा, मतलब उस टाइम ना आप उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करोगे, मतलब बॉक्स खोल के बार बार मत देखना। जब वो पूरी तरीके से पूरा अंडा दे देगा, मतलब 4 दे रहा है या 5 दे रहा है या 2 दे दिया, पूरी तरीके से मतलब अंडा अगर ले कर दिया, मतलब 10 से 15 दिन बाद आप लोग चेक कर सकते हो, मतलब उनका प्राइवेसी जो है वो भी ज़रूरी है, इसलिए आप लोग कम मतलब बहुत ही कम उनको डिस्टर्ब करना है। तो मैं इसको हल्का सा पहले नॉक कर देता हूँ। जब अंडा ले करने का टाइम मतलब होता है ना, तब वो आप लोग इस तरीके से नॉक मत करना, क्योंकि अंडा जब ले कर रहा है तो वो उनका जो एक बाइंडिंग का प्रॉब्लम है वो भी आ सकता है। तो ये रहा मेरा जो फीमेल है, ये अंडा ले किया है, अभी हम चेक करेंगे कितना अंडा है। तो मैंने एक बार नॉक कर दिया इसको और अभी अंदर की तरफ हम देखेंगे। गाइस, मेल जो है इधर ही बैठा हुआ है पूरे अंडे को लेके और बहुत गुस्से में है ये, और हमें नहीं लगता ये अंडे देखने देगा, क्योंकि आज 20 दिन के करीब हो गया है। कॉकटेल का जो चिक्स है वो 18 या 20 या 21 दिन के अंदर ही बाहर आ जाता है, लेकिन शायद ठंड के वजह से, मतलब इतना सारा ठंड मतलब दिया है अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में,
तो ठंड की वजह से हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों। तो आप लोग देखिए इसका अपडेट। तो गाइस फाइनली शायद दिखाई दे रहा है कितना अंडा, तो हमें पता नहीं, लेकिन शायद 6 अंडे दिखाई दे रहा है, 4 2 6। हाँ गाइस 6 अंडे दिखाई दे रहा है। फीमेल मेल जो है बहुत गुस्से में हो रहा है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा इसको यहीं पर और इसको हम लॉक कर देते हैं। तो गाइस आ जाते हैं ब्रीडिंग का इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो गाइस ब्रीडिंग के लिए मैंने जो बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने 2-3 वीडियो और भी दिए हैं ब्रीडिंग के लिए, तो मतलब ब्रीडिंग का इन्फॉर्मेशन का लेके 2-3 वीडियो है मेरे चैनल में, मैंने सब वीडियो में उसको मैंने बताया। पहले आपको केज का जो रिक्वायर्ड है, बड़ा सा केज देना है, दोनों साइड देख लीजिए 2 बर्ड्स के लिए कितना बड़ा केज मैंने दिया है, मतलब लगभग 4 फीट के करीब है ये दोनों केज, तो बड़ा सा आपको केज रिक्वायर देना है। सॉफ्ट फूड दोस्तों, सॉफ्ट फूड जो है इसका मेन फूड है, ये देखो सॉफ्ट फूड आपको अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी के गेहूं और हरी मूंग जो होती है वो लेके आना है, और चना काला चना जो है वो लेके आना है। पहले आपको अच्छे तरीके से धो लेना है, धोने के बाद उसको 1 रात के लिए पानी में भिगो देना है। उसके बाद सुबह आपको, अभी ठंड का मतलब विंटर सीजन चल रहा है, ठंड का मौसम है, तो आपको मतलब थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल लेना है उसको। उसके बाद इन लोगों का प्रोवाइड कर सकते हो 9 या 9:30 के करीब, एकदम सुबह। तो मैं मतलब एकदम सुबह सुबह मत देना, क्योंकि पानी में भिगा हुआ रहता है और बहुत ठंडा भी हो जाता है, तो इसलिए मैं गर्म पानी में इसको उबाल के फिर से इनको देता हूँ, तब ये लोग आराम से खा लेता है। और सॉफ्ट फूड जितना दोगे दोस्तों, इनका जो हेल्थ है वो बेटर रहेगा और बहुत बढ़िया, देखना उनका जो फेदर है सब कुछ बढ़िया रहेगा और बहुत एक्टिव भी रहेगा, और ये लोग सॉफ्ट फूड के वजह से भी ब्रीडिंग में जल्दी जल्दी आ जाते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, इनका सीड अच्छी क्वालिटी का दोस्तों सीड रखना है अपने को। इसमें क्या क्या है आप लोग देख सकते हो, कुसुम बीज है, सनफ्लावर बीज है, और कांगनी दाना है, छोटी है, बड़ी है, रेड मिलेट है, ब्लैक सीड है, मतलब 7 आइटम को मिला के ये सीड मैंने रेडी किया है। और सीड मिक्स को लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये सब चीज़ आपको मतलब मेंटेन करना है, तब जाके ये लोग ब्रीडिंग में आ जाएगा। और जो है ब्रीडिंग कोर्स दोस्तों, आपको ब्रीडिंग में बैठाने से पहले आपको ब्रीडिंग का जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। होता है मतलब मल्टीविटामिन और जो कैल्शियम होता है इनको देना है आपको, मतलब एक दिन छोड़ के। मैं तो एक दिन 3 दिन मान लीजिए 3 दिन मल्टीविटामिन देता हूँ और 3 दिन फिर कैल्शियम। उसके बाद इसके केज में जो ये है, ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये है कैटल फिश बोन और या समुद्री झाग जिसके यहाँ पर जो बोलता है इसको, तो ये सब चीज़ मैं दे के रखता हूँ। तो ये चीज़ दे के आपको मतलब पूरी तरीके से इनको प्रॉपरली केयर करना है, तब जाके आप लोग देखना ये लोग ब्रीडिंग में आ जाएगा। मैंने इसी तरीके से मतलब 4 महीने से मैंने इनको प्रॉपरली केयर किया, अच्छा सॉफ्ट फूड दिया, अच्छा सीड मिक्स दिया और साफ पानी। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा पानी कितना साफ है, मैंने साफ पानी दिया। और इनको जो सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों, इनका प्राइवेसी, आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी देना है दोस्तों। ये नहीं कि आप लोग आप जितना बार आओगे उतना बार इसका केज खोलोगे, केज में मतलब इधर उधर हाथ अंदर डालोगे, तो नहीं होगा दोस्तों। तो आपको ये चीज़ तो आपको फॉलो करना ही है, क्योंकि ब्रीडिंग में ब्रीडिंग टाइम में कॉकटेल को बहुत ज़्यादा प्राइवेसी देना है। आप लोग इनको प्राइवेसी अगर नहीं दे रहे हो, इसी वजह से भी आप लोगों के घर में अगर बर्ड्स है बहुत दिन से, तो वो ब्रीड में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप लोग फॉलो करो, अच्छा सॉफ्ट फूड, अच्छा सीड मिक्स और ढेर सारा प्राइवेसी, बड़ा सा केज दो, देखना कॉकटेल जो है जल्दी से जल्दी ब्रीड पर आ जाता है। और मल्टीविटामिन कैल्शियम आप लोग मतलब 3 दिन दे दो उनको, तब देखना ये लोग मतलब जो है उसके अगर मतलब बॉडी में कुछ रिक्वायर्ड होगा मल्टीविटामिन का, वो भी दे देगा, मतलब वो जो मल्टीविटामिन होता है ना वो सब उसको पूरा कर देगा। तो इसी तरीके से गाइस आप लोग फॉलो करो, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो लोग मेरा चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, और मेरा जो 1000 का जो जितने भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है वो लोग जुड़ चुके हैं, और थैंक यू गाइस। और आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं इतना दूर नहीं आ पाऊँगा, तो गाइस थैंक यू। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मतलब कॉकटेल बर्ड्स का ब्रीडिंग सिम्टम, मतलब किस चीज़ को देख के आप समझ पाओगे जो कॉकटेल जो है मतलब प्रेग्नेंट है या अभी अंडा ले करने वाले है, इस तरीके से मतलब एक वीडियो में बनाऊंगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।